नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। अल्मोड़ा कोतवाली एसओजी और सल्ट पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामलों में 180 पेटी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। अल्मोड़ा के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशों पर छेड़े गए अभियान के तहत एसएसआई बिशन लाल की टीम ने लोधिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान टोयोटा करोला कार से दो लोगों को हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 40 पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में हरियाणा के झज्जर जिले के मनोज कुमार और पश्चिमी दिल्ली के वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। उनके कब्जे से 40 पेटी हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि शराब के तस्करों द्वारा प्रेस लिखी कार का उपयोग किया जा रहा था और पंचायत चुनाव में शराब का उपयोग करने के लिए हरियाणा से तस्करी करके पिथौरागढ़ शराब पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। तस्करों से 21 पेटी ऑफिसर चॉइस विस्की और 19 पेटी मैकडॉल रम बरामद की गई है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है। हमारे उच्च अधिकारी गण के और हमारे एसएसपी महोदय के आदेशानुसार ये नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसमें चेकिंग के दौरान हमें आज लोधिया से नीचे काली मंदिर के पास चेकिंग चल रही थी, वहाँ पर एक गाड़ी को आते रोका। उस गाड़ी की तलाशी ली शक होने पर, तो उस गाड़ी में 480 बोतल शराब की अवैध बरामद हुई है, जो हरियाणा की बनी हुई है और जो यहीं पर सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। उसको मैं गाड़ी के हमने दो अभियुक्त पकड़े हैं और दोनों अभियुक्त बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभियुक्तों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसके अलावा थाना सल्ट पुलिस के एसआई ललित सिंह की टीम ने बुलेरो पिकअप को मरचूला बैरियर के पास रोका तो गाड़ी में बैठे सल्ट के भवाली गांव निवासी गिरधर सिंह और यहीं के जाली खान निवासी मंगल सिंह के कब्जे से 140 पेटी देसी दबंग शराब बरामद की गई। इसकी कीमत 5,71,200 रुपये आंकी गई है। अल्मोड़ा पुलिस के पंचायत चुनाव को देखते हुए ये दोनों प्रयास अब तक की बड़ी सफलताओं में शामिल हैं। आप हमारे प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाएं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।